बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर 2 ऑफ क्लास 2 कंप्यूटर बुक, दैट इज पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर। पेज नंबर इज 13। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड आउट द चैप्टर एंड आफ्टर दैट वी विल एक्सप्लेन व्हाट इट इज सेइंग। आज मैं रीड करते हैं इसको। As our body is made up of different parts, a computer is also made up of different parts. जिस तरह हमारे इंसान हम इंसानों की बॉडी बहुत different parts से मिलके बनी है, बिल्कुल इसी तरह computer की body भी different parts से मिलके बनी है। जैसे कि let's study each part in detail. आज हम हर एक part को detail में पढ़ते हैं। Monitor. A monitor looks like a TV screen. Monitor हमारे पास टीवी स्क्रीन की तरह दिखता है। यहाँ पे फिगर में देखें, यू कैन सी कार्टून्स, फिल्म्स, वर्ड्स, नंबर्स एंड सेंटेंसेस ऑन अ मॉनिटर। आप लोग इस टीवी स्क्रीन जो मॉनिटर है इसके अंदर कार्टून्स भी देख सकते हैं, आप वर्ड्स भी देख सकते हैं, फिल्म्स भी देख सकते हैं, सेंटेंसेस भी देख सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ विजुअल डिस्प्ले यूनिट। इसका मॉनिटर का जो सेकंड नेम है वो क्या है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं VDU। आप इन नेक्स्ट पेज नंबर 14, ये पेज नंबर 14 है हमारे पास। इसमें कह रहा है, इसमें हमारे पास हेडिंग है CPU की। CPU हमारे पास फिगर में बना हुआ भी है, देख लें। CPU स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU का मतलब है सेंट्रल, C फॉर सेंट्रल, P फॉर प्रोसेसिंग एंड U फॉर यूनिट। इट इज़ द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर। जिस तरह अल्लाह ताला ने हमें दिमाग दिया है, बिल्कुल इसी तरह कंप्यूटर के अंदर भी ब्रेन मौजूद होता है, और वो क्या होता है, CPU है। यू थिंक विथ योर ब्रेन एंड अ कंप्यूटर थिंक्स विथ इट्स CPU। आप लोग अपने ब्रेन के साथ, आप अपने ब्रेन दिमाग से सोचते हैं जो भी काम करना होता है। कंप्यूटर किससे सोचता है, कंप्यूटर का ब्रेन क्या है, CPU, तो ये CPU की मदद से सोचता है। CPU कंट्रोल्स ऑल द फंक्शन ऑफ अ कंप्यूटर। इट ऑल्सो स्टोर्स लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर यू। CPU हमारे पास बहुत तरह के फंक्शन, जो भी काम कंप्यूटर करता है ना, उसको कंट्रोल कौन करता है, CPU कंट्रोल करता है, और इसमें स्टोर भी करता है मालूमात को। किसके लिए, आपके लिए, कि आप नेक्स्ट टाइम जब भी ओपन करें और अगर आपको वही इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इजीली ओपन कर सकें। कीबोर्ड हमारे पास थर्ड पार्ट है। कीबोर्ड, अ कीबोर्ड हैज़ अल्फ़ाबेट कीज, नंबर कीज एंड स्पेशल फंक्शन कीज। ये हमारे पास कीबोर्ड बना हुआ है। कीबोर्ड के अंदर हमारे पास अल्फ़ाबेट कीज होती हैं, नंबर कीज होती हैं और फंक्शन कीज होती हैं। When you press the key, the same letter या character is seen on the monitor. जब भी आप monitor keyboard की जिस भी key को press करेंगे, वो हमारे पास कहाँ पे show होगा, monitor की screen पर हमें show होगा कि आपने कौन सी key को press किया है। Mouse, fourth part हमारे पास क्या है, mouse. A mouse is a pointing device. It has a long wire attached to the CPU. माउस हमारे पास एक पॉइंटिंग डिवाइस है, और इसकी एक इसके पास एक लॉन्ग वायर जाती है, और वो किसके साथ कनेक्ट होती है, CPU के साथ। इट हैज़ टू बटन्स एंड द स्क्रॉल व्हील्स। इसके पास दो तरह के बटन होते हैं और बीच में एक स्क्रॉल व्हील होता है। माउस कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ एरो ऑन द स्क्रीन। आपने देखा होगा स्क्रीन पे एक एरो मूव होता है, तो उस चीज़ को कंट्रोल माउस करता है। इट्स हेल्प यू टू ड्रॉ एंड मेक द वर्क ईजी ऑन अ कंप्यूटर। ये आपके काम को आसान करता है, और ये क्या करता है कि आपको मदद करता है किसी भी चीज़ को ड्रॉ करने में। अ माउस शुड बी कैप्ट ऑन अ माउस पैड एज इट मूव वेल ऑन स्मूथ सरफेस। माउस को हमेशा माउस पैड पर रखना चाहिए ताकि हम इसको आसानी से मूव कर सकें। प्रिंटर, अ प्रिंटर इज़ यूज टू प्रिंट टेक्स्ट और पिक्चर्स ऑन पेपर। ये हमारे पास प्रिंटर बना हुआ है। प्रिंटर की मदद से हम किसी भी पिक्चर को या कोई भी हमारे पास टेक्स्ट लिखा होगा उसको पेपर पे ले आ सकते हैं, ठीक है। द प्रिंट आउट इज कॉल्ड हार्ड कॉपी। जब प्रिंट आउट हो जाता है, यानी पेपर कंप्यूटर से बाहर निकल आता है,
तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, हार्ड कॉपी। स्पीकर्स, स्पीकर से तो आप सब लोग वाकिफ़ होंगे कि स्पीकर्स क्या हैं, आपकी डेली लाइफ में भी स्पीकर्स यूज़ होते हैं। यू कैन लिसन टू म्यूज़िक और टू रिकॉर्ड साउंड बाय यूजिंग स्पीकर्स। स्पीकर्स की मदद से आप म्यूज़िक को सुन सकते हैं और रिकॉर्ड कर सकते हैं अपनी आवाज़ को। पेज नंबर 15 पर आते हैं। पेज नंबर 15 में कह रहा है, व्हेन यू प्ले गेम्स और वॉच मूवीज ऑन द कंप्यूटर यू कैन हियर द साउंड विद द हेल्प ऑफ स्पीकर। स्पीकर की मदद से आप गेम्स के अंदर जो साउंड होता है या मूवीज़ के अंदर जो साउंड होता है उसको इजीली सुन सकते हैं। माइक्रोफोन, यू कैन रिकॉर्ड योर वॉइस और साउंड बाई यूजिंग माइक्रोफोन। ये रहा माइक्रोफोन। माइक्रोफोन की मदद से आप अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड कर सकते हैं। किसकी मदद से? माइक्रोफोन्स की मदद से। हेडफोन, हेडफोन क्या है? यू कैन लिसन टू रिकॉर्डेड साउंड सॉन्ग्स एंड वॉइस यूजिंग हेडफोन। ये हमारे पास हेडफोन बने हुए हैं, इसकी मदद से आप कोई भी साउंड जो भी रिकॉर्ड हुआ हुआ आता है उसको सुन सकते हैं, सॉन्ग सुन सकते हैं या कोई भी वॉइस इजीली सुन सकते हैं। UPS, ये हमारे पास UPS बना हुआ है। UPS is uninterrupted power supply। U का मतलब है uninterrupted, P का मतलब है power, S का मतलब है supply। A UPS keeps the computer working for some time when the electricity goes off। जब हमारे यहाँ बिजली चली जाती है तो और हमें कंप्यूटर पे काम करना होगा तो हम अगर हमारे पास UPS मौजूद होगा घर में तो हम UPS की मदद से कंप्यूटर पर काम कर सकते हैं। CD-ROMs and DVDs। A CPU has a CD drive to put your CD. You can store the information on your CD with the help of a CD writer। कह रहे हैं कि CPU के अंदर एक CD drive मौजूद होती है जिसके अंदर हम CD को insert करते हैं, यानी CD को डालते हैं, और उस CD हमारे पास क्या करता है, information को store करता है। सही है। Similarly, you can put your DVD in a DVD drive। बिल्कुल इसी तरह से DVD drive में हम क्या insert करेंगे, DVD। यहाँ पे देखिए ये insert कर रहा है CD drive में CD, इसके हाथ में CD है और वो CD drive में insert कर रहा है, और CD drive कहाँ मौजूद है, CPU के अंदर मौजूद है। Must know, earlier floppy disks were used to store the information। पहले हमारे पास CD की जगह क्या यूज़ होते थे, floppy disk। Now they have been replaced with CDs and DVDs। अब floppy disk को ख़त्म कर दिया गया है और अब उसकी जगह क्या आ गया, CD और DVDs। पेज नंबर 16 ओपन कर लें। पेज नंबर 16 में कह रहा है, कंप्यूटर एटिकेट, ऑलवेज कीप्स द CDs इन CD कवर। CD को हमेशा CD कवर में रखना चाहिए। डू नॉट टच द वायर्स व्हेन द कंप्यूटर इज ऑन। जब कंप्यूटर ऑन हो तो कंप्यूटर की वायर्स को टच नहीं करना। नाउ यू नो अ कंप्यूटर मेनली कंसिस्ट ऑफ 4 मेन पार्ट्स। कंप्यूटर के मेनली 4 पार्ट होते हैं जो कि CPU, मॉनिटर, कीबोर्ड और माउस हैं। अ मॉनिटर इज यूज टू सी कार्टून मूवीज और वट एवर यू टाइप। मॉनिटर में हम क्या देखते हैं, कार्टून्स देख सकते हैं, मूवीज देख सकते हैं और जो भी हमने टाइप किया होता है वो देख सकते हैं। अ कंप्यूटर थिंक्स विथ इट्स CPU। कंप्यूटर किसकी मदद से सोचता है, CPU की मदद से। अ कीबोर्ड इज यूज टू टाइप इंफॉर्मेशन इनटू अ कंप्यूटर। कीबोर्ड इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि आप उस पर टाइप कर सकें, कोई भी इंफॉर्मेशन होती है तो उसको टाइप करें कंप्यूटर के अंदर। माउस मेक्स योर वर्क ईजी ऑन द कंप्यूटर। माउस आपका काम आसान करता है। प्रिंटर इज यूज टू प्रिंट योर वर्क ऑन पेपर। प्रिंटर इसलिए इस्तेमाल होता है कि जो भी आपने काम किया है वो एक पेज पर प्रिंट करने के लिए प्रिंटर इस्तेमाल करते हैं। स्पीकर्स एंड हेडफोन्स आर यूज टू लिसन टू म्यूजिक और रिकॉर्डेड साउंड। स्पीकर और हेडफोन इसलिए इस्तेमाल किए जाते हैं, इसलिए यूज़ किए जाते हैं ताकि हम अपने हम कोई भी म्यूज़िक या कोई भी रिकॉर्डेड साउंड हो उसको सुन सकें। माइक्रोफोन्स हेल्प यू टू रिकॉर्ड योर वॉइस। माइक्रोफोन की मदद से आप अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड कर सकते हैं।
UPS keeps the computer on even when there is no electricity. जब बिजली नहीं होती तब हम UPS को ऑन करते हैं, ठीक है? और जब UPS को ऑन करते हैं तो हम कंप्यूटर को भी UPS की मदद से ऑन कर सकते हैं. CD-ROMs and DVDs store your information. CD और DVD हमारे पास क्या करते हैं? इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं. नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 17 पर हमारे पास कुछ की टर्म्स हैं. VDU, VDU हमारे पास सेकंड नेम था किसका? मॉनिटर का. VDU इज़ अ विजुअल डिस्प्ले यूनिट. इसकी फुल फॉर्म है विजुअल डिस्प्ले यूनिट, जो कि हमारे पास किसकी तरह होता है? टीवी स्क्रीन की तरह. नेक्स्ट हमारे पास है CPU. CPU is the central processing unit that controls all the function of a computer. CPU क्या है? Central processing unit है जो computer के तमाम functions को control करता है. Printer prints your work on paper. आपके काम को paper पर print करता है. Speaker is used to hear sound or music. Speaker की मदद से आप आवाज़ को सुन सकते हैं और music को भी. माइक्रोफोन इज़ यूज टू रिकॉर्ड साउंड. आप माइक्रोफोन इस्तेमाल कर सकते हैं जब आपने अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करना होगा. UPS इज अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई दैट कीप्स द कंप्यूटर ऑन फॉर सम टाइम व्हेन देयर इज नो इलेक्ट्रिसिटी. UPS का मतलब है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई. ये हम तब ऑन कर सकते हैं जब हमारे पास लाइट मौजूद ना हो. CD का मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क. सो स्टूडेंट, चैप्टर 2 यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है. ओके, अल्लाह हाफिज़.